Hello everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension, 9 Twin Flame Runner Awakening Signs. Twin Flame Separation Phase में DF या Chaser Twin पहले अवेकन होती है, फिर कुछ दिन या महीने तो समझने में लग जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्या है उस पर्सन में ऐसा जो इतनी इंसल्ट, इतनी पुश के बाद भी आप उनको छोड़ नहीं पा रहे हैं या भुला नहीं पा रहे हैं। रनर ट्विन या डीएम के डिस्टेंस बनाने के बाद भी हम उनके साथ डिस्टेंस बना नहीं पाते। इट इज़ आल्सो नॉट अनयूजुअल फॉर रनर्स टू लैक मोटिवेशन और इंटरेस्ट एंड सो इट मे टेक डेज और इवन मंथ्स बिफोर दे आर रेडी टू टॉक टू यू। बट मिलियन डॉलर क्वेश्चन इज दैट रनर ट्विन कब अवेकन होते हैं। रनर ट्विन फ्लेम को प्रॉपर टाइम और स्पेस दोनों चाहिए होता है, तब जाकर उनकी अवेकनिंग शुरू होती है। आज की वीडियो में रनर ट्विन फ्लेम की साइन को डिस्कस करेंगे। अवेकन जब होते हैं कैसा होता है, क्या क्या साइन होते हैं वो जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फर्स्ट साइन को समझते हैं। रनर ट्विन अब पहले जैसे नेगेटिविटी और एंगर से ऑपरेट नहीं करते। अवेकनिंग का फर्स्ट साइन है अब रनर ट्विन की थॉट चेंज होने लगेगी और वे अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने लगते हैं। उनको अब अपने डीएफ पर गुस्सा नहीं आता। जब आप दोनों का सेपरेशन हुआ और वो अलग हुए तो वो फिर से अपने ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग में चले जाते हैं और तभी से उनके अंदर चेंजिंग आना शुरू हो जाता है। द ट्रूथ इज दैट ट्विन फ्लेम रनर हैज ऑलवेज बीन अ गुड पर्सन बट देयर ओल्ड अनवांटेड सेल्फ वॉज ओवरशैडोइंग देयर ट्रू लव। आपको ये समझना होगा कि जितने उनके पास कामिक लोड होगा उतने ही जल्दी वो अवेकन होते हैं। ये जो रनर ट्विन नेगेटिविटी या एंगर इश्यू होता है ना रनर ट्विन का, ये बेसिकली उनका नहीं होता। अपने ट्रू ऑथेंटिक साइड को वो शो ना कर पाने की वजह से वो नाराज और नेगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं और ये जितना अवेयरनेस में आते जाते हैं उतना इनमें चेंजिंग देखने को मिलता है। साइन नंबर टू रनर ट्विन के अवेकन होने का, उनका सहनशील हो जाना। रनर ट्विन को बहुत लंबे टाइम के लिए काम और साइलेंट होने की आदत होती है। रनर ट्विन को सेपरेशन फेज में मिले पेन और रेजिस्टेंस को सहने की हिम्मत डिवाइन से पहले ही मिला हुआ होता है, जिससे वो सेपरेशन पेन को इजीली हैंडल कर लेते हैं। उन्हें अपने लाइफ में स्टैंड लेने के लिए कार्मा बैगेज को क्लियर करने के लिए उठ खड़ा होना होता है। तो साइन सेकंड में आप देखेंगे कि रनर ट्विन्स आर नाउ अ लॉट मोर पेशेंट अबाउट लाइफ इन जनरल। साइन नंबर थर्ड रनर ट्विन के अवेकन होने का तीसरा साइन है, वो अब पहले से काफ़ी ज़्यादा लविंग हो जाते हैं। रनर ट्विन को समझ में आने लगता है कि उनकी इनर पावर क्या है और वे इसको समझते हुए पहले से ज़्यादा एक्सप्रेसिव और केयरिंग होने लगते हैं। और ये लव या केयरिंग नेचर सिर्फ डीएफ पर ही नहीं बल्कि अपने फैमिली मेम्बर या किसी आउटसाइड वर्ल्ड में भी होने उनको वो दिखाने लगते हैं। ये बहुत बड़ा साइन होता है रनर ट्विन के अवेकन होने का, क्योंकि उनको अब वर्ल्ड में सभी से ज़्यादा लगाव और सभी के लिए केयर वो करने लगेंगे। बट बी वेयर, डोंट अज्यूम दैट द रनर इज कम्प्लीटली रिकवर्ड, बट दे विल कम बैक टू यू एवेंचुअली। साइन नंबर फोर रनर ट्विन के अवेकनिंग का, आपके थॉट में फिर से आपके ट्विन आने लगेंगे। सेपरेशन के पीरियड में डीएफ अपनी हीलिंग करती है, जिससे उनके ट्विन
जैसा पहले 24 आवर्स मन में छाए रहते थे, डीएफ के मन में छाए रहते थे, हीलिंग के बाद ग्रेजुअली अपने काउंटर पार्ट को मिस करना कम कर देती है। और एक वक्त ऐसा आता है कि हो सकता है 10 से 15 दिन में आप एक बार ही मिस करें, बाकी टाइम आप नॉर्मल अपने रूटीन में लगे रहते हैं। लेकिन अब क्या होता है, फिर से डीएफ या चेजर ट्विन के माइंड में रनर ट्विन आने लगते हैं, फिर से उनकी प्रेजेंस आपको फील होने लगेगी। दिस इज द साइन दैट द अवेकनिंग प्रोसेस इज हैपनिंग। जब सेपरेशन फेज खत्म होता है तब ये सारी बातें आकर रनर ट्विन बताते भी हैं अपने काउंटर पार्ट से। इस साइन से वो डीएफ जिनके डीएम साइलेंट हैं वो पता कर पाते हैं कि उनके डीएम की अवेकनिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। साइन नंबर 5 रनर ट्विन के अवेकनिंग की, ये है डीएफ या चेजर ट्विन जो अब तक कुछ महीनों से पीसफुल थी वो अचानक ओवरवेल्म हो जाएगी, अनइजीनेस उनको फील होगा, फिर से अपसेट होने लगेंगे आप, नर्वसनेस आप में रहने लगेगी, जबकि आप कुछ महीनों से बिल्कुल कूल थे, बिल्कुल नॉर्मल थे, बट नाउ यू मे फील यू आर ड्राउनिंग एंड दिस पैरालाइजिंग फीलिंग कैन कम एट एनी टाइम। ऐसा कभी भी लगने लगेगा कि आप ड्रेन्ड हो रहे हैं, आप डाउन हो रहे हैं, फिर से उनकी याद आपको सताने लग रही है। जब आपके ट्विन की अवेकनिंग होती है आप पर इसका साइड इफेक्ट होता है और ये नॉर्मल इशू है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी, जिससे अगर आपका ट्विन एकदम साइलेंट है आप उधर क्या हो रहा है जान पाते हैं। चलिए बढ़ते हैं साइन नंबर 6 रनर ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग का। आपको उनके वॉइस और बॉडी लैंग्वेज में चेंज फील होगा। अगर आप एम्पैथ हैं तो ये पता करना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा कि अब उनका मूड स्विफ्ट हुआ है। वंस दे आर ऑफ ऑन देयर ओन यू विल बी एबल टू फील अ शिफ्ट इन देयर एनर्जी एंड यू विल बी एबल टू रीड इट इन देयर बॉडी लैंग्वेजेस एंड वॉइस। अब आपको उनकी न्यू एंड इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी दिखने लगेगी। साइन नंबर 7 रनर ट्विन के अवेकनिंग का ये है, आप अब उनको स्पिरिचुअल होते देखने लगेंगे, उनको स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी होने लगेंगे, ड्रीम्स विजन्स और साइन भी यूनिवर्स से दिखने शुरू हो जाएंगे। अब उनके लाइफ में जितनी भी इश्यूज थी वो सॉल्व होने लगेंगी, उनका काम बहुत इजी वे में फुलफिल होने लगेगा, उनको समझ में आने लगेगा कि जो साइन दिख रहे हैं, जो ड्रीम्स वो देख रहे हैं, उनका मीनिंग क्या है। एज द सेपरेशन प्रोसेस एक्सेलरेट्स द ट्विन फ्लेम ड्राना विल सी ऑल दीज इन देयर लाइफ सूनर और लेटर। उनको डिवाइन पर ट्रस्ट होने लगेगा। साइन नंबर 8 रनर ट्विन के अवेकनिंग का, उनके फीलिंग्स का पावरफुल होना। अब रनर ट्विन को लगने लगता है कि इस वर्ल्ड में कुछ अच्छा भी है, इस वर्ल्ड में फीलिंग्स शो करने से बुरा नहीं होता। वे अब इस दुनिया को अलग नजरिए से देखने लगते हैं। द फीलिंग्स कैन रेंज फ्रॉम वेरी सटल टू वेरी पावरफुल। वैसे भी रनर ट्विन थोड़े नेगेटिव होते हैं, वर्ल्ड को लेके भी उनमें थोड़ा इंडिफरेंस सा रहता है, डिप्रेशन भी उनमें बहुत होता है रनर ट्विन में, लेकिन अब बिल्कुल सीन अलग होगा। अब तक रनर ट्विन फ्लेम अपनी फीलिंग्स को अवॉइड करते रहते थे, शो करना उन्हें नहीं आता था। अब सेपरेशन फेज में उन्हें फील होने लगता है कि उन्होंने अपने फीलिंग्स को हाइड किया। रनर ट्विन के अवेकनिंग प्रोसेस में आप में भी चेंजिंग आने लगता है, जैसे आपको उनके नाम दिखने लगेंगे, उनके बारे में किसी और से सुनने को मिल सकता है। यू ऑल्सो स्टार्ट टू फील देयर इमोशंस। साइन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। साइन नंबर 9 रनर ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग का, उनको भी डीएफ के जैसा सोल शॉक से होकर गुजरना पड़ता है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। सेपरेशन में ज्यादातर रोल
रनर ट्रेन का ही होता है। अपने डीएफ काउंटर पार्ट को आउट ऑफ द वे जाकर एलिगेट करना, इंसल्ट करना, ब्लेम गेमिंग और भी न जाने क्या क्या बोल देते हैं रनर ट्रेन। पर अवेकनिंग पीरियड में उनको भी सभी कही बातें जो भी उन्होंने अपने डीएफ काउंटर पार्ट्स को कहीं कहे होते हैं एक एक कर याद भी आते हैं और गिल्टी भी फील करते हैं। इसलिए सोल शॉक रनर ट्विन का डीएफ से कहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा इंटेंस होता है, ज़्यादा पेनफुल वाला होता है, जैसे वो अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस योर ट्विन इज मोर्निंग द लॉस ऑफ द रिलेशनशिप विथ यू। एट द टाइम द ट्विन फ्लेम रनर विल फील अ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अट्रैक्शन टू यू एंड व्हेन दे फाइनली कम बैक इट इज यूजुअली बिकॉज द स्पिरिचुअल कनेक्शन हैज बीन फॉर्म्ड। अब यहां तक आते आते वो भी इवॉल्व हो जाते हैं, आपको आकर अपनी फीलिंग्स शेयर करेंगे, आपसे सॉरी भी बोलेंगे, वो जितने भी अब तक जो भी गलती उनसे हुई है उनको लेके उनके अंदर पछतावा भी रहेगा, आपको इंस्पायर करने लगेंगे अच्छे इंसान बनने के लिए, वो खुद भी अच्छे इंसान बनने लगेंगे। इसके अलावा इन 9 साइंस के अलावा रनर ट्विन के अवेकनिंग प्रोसेस में उनके बॉडी वेट में चेंजिंग देखने को मिल सकता है, ईटिंग हैबिट्स बदल जाएगी, अब वो पहले से हेल्दियर फूड को कंज्यूम करने लगेंगे। जैसे डीएफ फाइंड आउट करती रहती थी अपने अवेकनिंग फेज में ये उनके साथ क्या हो रहा है, ठीक वैसा डीएम भी, रनर ट्विन भी अपने फ्रेंड्स में या कुछ अदर सोर्सेस से जानने की कोशिश करने लगते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, ढूंढने लगते हैं क्या रीज़न है इस तरह से मिस करना, इस तरह से जो बिल्कुल भाग चुके थे इस रिलेशनशिप से वो अब फिर से वो ढूंढने लगते हैं कि क्या प्रोसेस है, अब तक इतने महीने या साल बाद भी आपके ओर से कुछ भी उनको कोई भी इशारा नहीं मिला, फिर भी वो क्यों आपको भुला नहीं पाए, क्यों आपके लिए वो तड़प रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानने लग जाते हैं। दे स्टार्ट फाइंडिंग आंसर्स इन स्पिरिचुअलिटी। ऐसा नहीं है जैसे डीएफ को यूनिवर्स से गाइडेंस मिलती रहती है, ठीक वैसे ही डीएम को भी गॉड की तरफ से डिवाइनल गाइडेंस उनको भी मिलता रहता है। एज ट्विन फ्लेम जर्नी इज अ डिवाइनली गाइडेड एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड टू। तो ये 9 साइन थे जिनसे आप समझ पाएंगे कि आपके ट्विन, आपके रनर ट्विन की अवेकनिंग हो रही है, शुरू हो चुकी है या अभी टाइम लगेगा। और अगर आपके ट्विन आपसे कनेक्शन में रहते हैं, ऑन ऑफ भी सिचुएशन है, या अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हो तो भी आप इन सारे पॉइंट्स से जान पाएंगे। और अगर आपके ट्विन साइलेंट भी हैं, क्योंकि कुछ ट्विन फ्लेम बिल्कुल साइलेंट होते हैं, उन वो 2-3 साल कोई कनेक्शन बिल्कुल नहीं रखते अपने डीएफ से, अपने काउंटर पार्ट से, तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स ऐसे भी कवर किए हैं जिनसे आप ये जान पाएंगे। अगर आपके ट्विन साइलेंट, बिल्कुल साइलेंट जोन में है, बिल्कुल साइलेंट है, तो आप जान सकते हैं कि उनकी अवेकनिंग शुरू हुई या नहीं। तो ये था मेरा वीडियो रनर ट्विन फ्लेम के अवेकनिंग के ऊपर। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ गाइडेंस मैं दे पाई हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मेरी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स के साथ आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू माई व्यूअर्स फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।